भीड़ हो जाएगी। इधर आ, इधर इधर आ, इधर आज 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 भीड़ नहीं आना, लोग नहीं आना। अभी मुझे सीआईडी बोल के गया ना, ये पाकिस्तान नहीं है, इंडिया नहीं है। आप हर एक को खड़ा करते हैं इधर, मैंने आपको सुना है माशाल्लाह। मैं सवाल करना चाहता हूँ, आइए आइए आज सवाल करते हैं। मुझे बोल के गया, भीड़ नहीं जमा, आप सुनते रहते हैं। अजय पीछे जाओ, पीछे जाओ, इधर नहीं आना, और इधर मर्दों की जगह, ठीक है, इधर ले जाने का। पीछे उधर 29 नंबर गेट पे जाओ, तुम लोग पीछे जाओ, उधर आ जाओ बस यार, ज़्यादा नहीं आइए, पता चल दो गाड़ी आ जाए बस। बताओ भाई साहब, मैं क्या बना रहे हैं, मैं वीडियो बनने चल रहा हूँ तो उसको भी बना रहे हैं, बात तो करनी थी। नहीं कोई बात नहीं, करें उसको बंद कीजिए, करें आप उसको बंद करें, आप ऑन करवाते हैं वीडियो जो देखें। तो अभी बात कर रहे हैं, एक दो साथी साथ रह जाए और साथ चले जाए, सही बात। हाँ आप ना आना, और ये वीडियो ना बनाना यार, ये हराम है, ये तो फिल्म में शो नहीं है यार। उनसे पूछो वीडियो हराम है, शो है नहीं भाईजान, उनसे पूछो वीडियो हराम है। क्या कर रहे हैं आप, लंडिया में बोल रहा हूँ ना। हाजी साहब क्या हो इस जगह पर, हाजी साहब इधर आओ ना, दो साथ सिर्फ। आप सारी बातें आपने अच्छी की, हमने सुन ली साबरी। मैं पूछता हूँ, ये हदीस है ना कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो, है हदीस? हाँ बिल्कुल है, कासिब अभी बोल रहा। हाँ नहीं नहीं, वो तो मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आप ये देखें कि पूरे इधर जितने भी आप देख लें, आप सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उनको आप इकट्ठा कर लेते हैं, तुर्कश ईरान सारे इधर बैठे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं, किसी की आपकी जरूरत नहीं होती कि आप उधर जाएँ। फिर आप ये देखें कि मेहनत कर जो लिखा है मजदूरी, इधर हमारे कितने भाई हैं, सबका कोई उनको मजदूरी नहीं देती, उनका माल खा रहे हैं। आप बता, मैं ये सवाल इधर कर रहा हूँ कि आप उधर क्यों नहीं आवाज उठाते? देखिए आप देखो, कोई भी जुल्म हो जाए, महकमा है और उनका इदारा है, उनको जाके शिकायत करें, वो आपकी शिकायत दूर कर दे। और हम भी खैर नहीं, ये मौजू इधर बहुत बड़ा मौजू है, जितने इधर आप देखें हमारे भाई इधर देखो भीख मांग रहे हैं, बेचारे रहते हैं मेरे भाई, उसपे खुतबे भी होते हैं, वो देखो बंद कर दिया था खुतबे भी होते हैं वो उस कर रहे हैं। और हमारे लोगों का भी कुछ खामी है, उम्रे के लिए आते हैं और यहाँ मांगते हैं, भीख मांगते हैं, उनके लिए क्या करें? मैं वही तो कह रहा हूँ, उम्रे के लिए हाजी के लिए वो आते हैं। पिछले साल मैंने एक बुजुर्ग देखा था, वो अल्लाह मेरे साथी ने बताया कि ये मेरे साथ फ्लाइट में आया और इसका इतना जायदाद, इसने खुद बताया, उसके बेटे भी यानी बहुत अच्छे ओहदे पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, फिर भी मांगते हैं, उनके लिए हम क्या करें? तो जुल्म जहाँ भी हो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, खुतबे में भी बताते हैं। और यार फोटो ठीक, बाकी एक ये वीडियो मुझे पसंद नहीं है। आप ये देखें मस्जिद अली और शिया कम्युनिटी, वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि इसको कहते हैं मजहबी लीडरशिप दीनी रहनुमा, ये इनका जो भी मसलक है, अकीदा है, ये जो भी है, आप ये इधर अपनी तबलीग कर रहे हैं, इनको गाइडेंस दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये इनकी मस्जिद है ना, इनसे नस्बत है इनकी, किसी माई के लाल की जरूरत है? कोई देखें आपको कोई नज़र आ रहा है इधर खड़ा हुआ जो इनको बोले बिद्दा ये वो? तो बस मैं आप इस जगह पर खड़े होकर अपने मजहबी रहनुमाओं को, लीडरों को क्या बोलूँ कि हमारे लिए तो हमारा मस्जिद मस्जिद नबवी है, हमें तो उस तरफ मुँह करके दुआ भी नहीं को मांगने देता, आए ना किसी की जरूरत है इसको रोके। ये देखें, ये आपके लिए एक मिसाल है, अल्फाज तो मैं वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो हमारे ये मजहबी रहनुमा या लीडरशिप है जो हमारी, लेकिन अब ये जगह ये ज़मीन मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ। दिखाएं मुझे कोई इधर खड़ा हुआ कोई इनको रोकता हुआ, ये देखें किसी की जरूरत है? हमारे उधर नातखान जाकर उधर नातखानी करें हाँ ज़रा, या कोई पीर जाकर उधर खुतबा दे ना, या पीर खड़ा होकर लगवाए ना पाँव को आती है आरती से चूमे चाटे। ये देखें तुर्किश पूरी मस्जिद में आपको नज़र आएंगे, जिधर तक आपकी नज़र जाती है मुफ्ती टोलियों की तरफ, रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब मुँह करके दुआ मांग रहे होते हैं। किसी को जरूरत नहीं है कि उनको रोके, दूर तक वह घूम जाए, सिर्फ बेचारे इंडियन पाकिस्तानी मुसलमान, उनको सारा दीन बताया जाता है।
कोई आए ना वो देखें सामने से तो चाहिए कोई घूम नहीं रहा वो देखें की जरूरत नहीं है इनकी तरफ मुँह भी करें ये देखें हमारे बेचारों को धक्के मारे जा रहे होते हैं